अक्सर जब आसमान में बिजली चमकती है तो हमें कहा जाता है कि आपको उस टाइम पे मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन ये एक मिथ है। मोबाइल के यूज करने का बिजली के गिरने से कोई लेना देना नहीं है। उसका सबसे पहला रीजन यह है कि आजकल के मोबाइलों में जो ज्यादातर कंपोनेंट्स हैं वो बिजली को अट्रैक्ट या कंडक्ट नहीं करते। दूसरा, मोबाइल रेडियो वेव पे काम करते हैं जो कि ना ही तो बिजली को अट्रैक्ट करती है ना ही बिजली को कंडक्ट करती है। लेकिन हाँ, अगर आप खुले मैदान में घूम रहे हैं और बिजली चमक रही है और अगर आपके आसपास कोई टोलेस्ट ऑब्जेक्ट नहीं है जो कि बिजली को अर्थ में जाने का रास्ता दे, तो आप पे बिजली के गिरने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, भले आप मोबाइल को यूज करें या ना करें। तो फाइनली गाइस, अगर बिजली चमक रही है और आप घर पे या फिर कार में भी मोबाइल पे बात कर रहे हो तो मोबाइल की वजह से आप पे बिजली गिरने वाली नहीं है। क्या इसके पहले तक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। सिगरेट हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होती है और उसे हमें नो डाउट कभी भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि लोग जब सिगरेट पीने के बाद बचे हुए छोटे से टुकड़े को सड़क पे फेंक देते हैं तो वही छोटा सा टुकड़ा चिड़िया उठा के लेके जाती है। पर सवाल ये है कि चिड़िया उस टुकड़े का करती क्या है? थांबा, वो पीती नहीं है। एक्चुअली चिड़िया उस छोटे से टुकड़े को ले जाके अपने घोंसले में रख देती है ताकि परजीवियों को यानी कि पैरासाइट्स को वो भगा सके। उस छोटे से टुकड़े में निकोटीन होता है जो कि पेस्टिसाइड का काम करता है जो कि परजीवियों को घोंसले में पनपने ही नहीं देता। क्या ये इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके पहले तक आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइज, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि दुनिया की सबसे लंबी यानी कि टॉलेस्ट बिल्डिंग कौन सी है तो शायद आप लोग बड़े आसानी से जवाब दे देंगे, क्योंकि इस पे गाना आजकल बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, एंड दैट इज बुर्ज खलीफा, जिसकी ऊंचाई 828 मीटर है। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये बिल्डिंग इतनी लंबी है कि इस बिल्डिंग से आप दिन में दो बार, जी हाँ दिन में दो बार सनसेट देख सकते हैं। एक बार तो ग्राउंड पे रह के और एक बार एलिवेटर लेके अगर आप टॉप पे जाएंगे तो टॉप से आप फिर से सनसेट देख पाएंगे। है ना अमेजिंग फैक्ट? गाइज, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। लोगों के बीच में अपनी पहुंच और रुतबा बनाने के लिए कुछ तरीके होते हैं, उन्हीं में से दो तरीके आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। नंबर वन, आपको ना कहना आना चाहिए। यदि आप हर किसी को हर समय हर किसी काम के लिए हाँ कह देते हैं तो लोग आपकी इज्जत नहीं करते। लोग उन्हीं की इज्जत करते हैं जिनकी कुछ सीमाएं होती हैं, इसीलिए ना कहना सीखिए। नंबर दो, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात पे ध्यान दें या अपनी बात पर आप उनका ध्यान खींचना चाहते हैं तो अपनी बात को कुछ इस तरह से शुरू करें, मैं ये बात बताना तो नहीं चाहता था लेकिन। गाइज, ये दोनों साइकोलॉजिकल फैक्ट आपको कैसे लगे चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जिम जाके डोले शोले बना के हट्टा कट्टा दिखने से कुछ नहीं होता, अंदर जान भी होनी चाहिए। चलो मैं इसका एक बढ़िया सा एग्जांपल देता हूं। अभी रिसेंटली ही कोची इंडिया के रहने वाले राहुल पानीकर का एक आर्म रेसलिंग का मुकाबला था। जानते हैं किससे था? वो भी दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग बॉडी बिल्डर लैरी व्हील के साथ। शुरू में तो लैरी व्हील ने बहुत जोश दिखाया लेकिन लास्ट में जाते जाते वो जोश खुश हो गया। राहुल, जो कि लैरी के सामने काफी कमजोर दिख रहे थे, उन्होंने लैरी को आर्म रेसलिंग के मैच में हरा दिया। गाइस, क्या आपने ये मैच एंजॉय किया था? और अगर नहीं किया है तो जरूर देखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।